हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो गाइज, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं और बनता कैसे है ये। ठीक है, तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि ये बनता है किसके वजह से, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl का यूज करके ही हम इसको बनाने वाले। तो अभी की क्लास में हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे और इसके बारे में कि मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और गाइस, वीडियो लेक्चर यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम तो हमारा ये लगेगा कि हमें नमक की जरूरत होगी। ठीक है, NaCl हमें चाहिए होगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पे देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी से पास कराओगे किसके अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, देखो जो भी नमक वाला पानी है, नमकीन पानी है ना, क्या करना है, एक इस तरीके का कुछ कंटेनर होता है। ठीक है, एक इस तरीके का कंटेनर होता है, इसमें क्या करना है, पूरे में पानी भर देना है, नमक वाला, नमक और पानी मतलब NaCl और H2O। ठीक है, ये मिला के इसमें भर देना है। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड। एनोड के ऊपर प्लस चार्ज और कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज। इसको बैटरी से जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देना है मतलब इसके अंदर करंट को पास कराना है। ठीक है, यहां से देखो करंट को पास करवाना है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, जैसे इसको ये करेंगे तो ये ना आपस में टूटने लग जाते हैं, NaCl इस तरीके से। तो जो Cl- होगा ना, Na+Cl- इस तरीके से जो होंगे, जो Cl- है वो इधर आके प्लस वाले की तरफ होके, और यहां से क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, Cl- इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली वाटर का जो H+ आयन है वो इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जो हाइड्रोजन है वो हमें इधर की तरफ, यहाँ पे एक कंटेनर लगा देंगे, इधर से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन और इधर से हम निकाल लेंगे क्लोरीन, और जो बच जाएगा NaOH ये इस तरीके से यहाँ से लिक्विड के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा। देखो यहाँ पे अब इक्वेशन देखो क्या कि हमने NaCl लिया, उसको हमने H2O मतलब पानी में मिला के देंगे, ऑब्वियस सी बात है, और इसके बीच में क्या कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो क्या बनाया, ये NaOH, Cl2 और H2 मतलब एक जो एनोड के ऊपर क्या बनाया है, ये देखो ये है हमारा, ये है एनोड, एनोड के ऊपर क्या बनाया है Cl2, क्यों, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और क्लोरीन होता है निगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है, तो निगेटिव वाला जो है पॉजिटिव वाले की तरफ रोम करेगा। नेक्स्ट देखो दूसरा है, हाइड्रोजन कैसा होता है नेचर में, प्लस का चार्ज वाला होता है, तो ये कैथोड की तरफ जहां पे माइनस चार्ज होंगे ना, ये इधर की तरफ मूव करता है। क्लियर है, आई होप एवरीवन विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, और हाँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरअल्कलाई प्रोसेस। क्यों क्लोरअल्कलाई ही क्यों, देखो इसमें क्या बना, जब तुमने NaCl को, सॉरी जब आप लोगों ने ये किया था, क्या NaCl था, उसके अंदर क्या मिलाया, वाटर मिलाया। ठीक है, तो बना क्या है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, तो इसका नाम क्लोरअल्कलाई इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर देखो आप लोगों ने देखा कि क्लोरीन का प्रोडक्शन हुआ और साथ में NaOH का प्रोडक्शन हुआ। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेस है ना, ये बेस है, बेस या फिर बोलो तो अल्कलाई। तो जो पूरा प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, जो भी है इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है। और अभी हम देखेंगे जो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के अंदर जो तीन प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस हुआ है, बेसिकली हम दो का ही देखेंगे। ठीक, तीसरा का जो हाइड्रोजन है वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या क्या है। तो जैसा कि आप लोग इसके ऊपर देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सोप्स एंड डिटर्जेंट मतलब साबुन बनाने के अंदर में काम लिया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में इसका यूज होता है, पहला बात। दूसरा बात होता है कि पेपर बनाने के अंदर यूज होता है।
तीसरा होता है कि डाइज वगैरह होते हैं, जैसे कलर वगैरह लगाते हैं ना, वो कलर्स वगैरह बनाने में, डाई वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट दो चार याद कर लेना बस काफी है, उससे ज्यादा पूछते नहीं है, कभी कभार एक आध पूछ लेते हैं, तो आप लोग दो याद कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूजेज ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या यूज है भाई, तो क्लोरीन का यूज तो सबसे पहला काम होता है कि ये ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में यूज किया जाता है, मतलब स्टेरिलाइज करने में काम आता है, पीने योग्य पानी बनाते हैं हम इससे। दूसरा होता है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है, जो टॉयलेट्स वगैरह में जो दिख जाते हैं पाउडर छिटा हुआ, वही होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ साथ क्लोरीन है ना, क्लोरीन का यूज किस में, HCl, ठीक है, HCl क्लोरीन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ CFC एंड क्लोरोफॉर्म, ये तो CFC हो गया तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया ना, जो फ्रिज के अंदर यूज किया जाता है, इसके अंदर भी क्लोरो लिखा हुआ ना, क्लोरो CHLORO, CHLORO, तो क्लोरीन का यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा हो गया क्लोरोफॉर्म, इसमें तो दिख ही रहा है क्लोरीन का यूज किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्लोरोफॉर्म बेसिकली होता है ये कि जो एनेस्थेसिया वगैरह देते हैं ना, जो मतलब बेहोश करने के काम आता है, तो इसके में यूज किया जाता है। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, और ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए। तो गाइज हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।